मंदिर के पुजारी पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में पुजारी को जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से हमला किया गया। पुजारी को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं पुजारी को मरा हुआ समझकर हमलावर फरार हो गए। इस बीच पुजारी की नातिन ने गांव में शोर मचा दिया, हमलावर फरार हो गए। गांव के लोगों ने पुजारी को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया है, वहीं हालत गंभीर होने पर जैन मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। घटना थाना टप्पल के जरतौली इलाके की है। टप्पल इलाके के जरतौली में प्राचीन शिव मंदिर, जहां पिछले 2 साल से हरियाणा के रहने वाले पुजारी गुरुदत्त शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। बताया जा रहा है कि पुजारी गुरुदत्त मंदिर प्रांगण में आराम कर रहे थे, तभी 3 अज्ञात युवक आए और जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से पुजारी गुरुदत्त पर हमला कर दिया। वहीं इस हमले में पुजारी गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि हमलावर धारदार हथियार और तमंचे की बट से प्रहार किया। वहीं पिटाई से पुजारी गुरुदत्त जमीन पर गिर गया। हमलावरों ने पुजारी को मरा हुआ समझकर, इसी बीच पुजारी की नातिन योगिता ने वहां से भागकर गांव गई और शोर मचा दिया, लेकिन जब तक गांव वाले मौके पर पहुंचते, तीनों हमलावर युवक फरार हो गए। वहीं गांव के लोगों ने पुजारी गुरुदत्त को उठाया और उपचार के लिए पहले टप्पल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। पुजारी के परिजनों का कहना है कि हमलावर लूटपाट की नियत से आए थे, लेकिन पुजारी के विरोध करने पर चाकू और तमंचे की बट से हमला कर दिया। वहीं गांव के लोगों को पता चलने पर मौके पर पहुंचे, लेकिन हमलावर फरार हो गए। पुजारी पर हमले के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। Hola.